जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा नई और सटीक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रकृति बाकी नहीं रखती है। आप बहुत सरल हैं, सहज हैं, लोगों की मदद करते हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है जो आपको ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है, तो प्रकृति जो है वो कुछ भी किसी पर बाकी नहीं रखती। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, सुख दुख, मान अपमान, सम्मान, सब यही सहना है। इसके लिए कोई अतिरिक्त कोई जहाँ नहीं है या कोई अलग से प्लेनेट नहीं है कि जिस पर हम जाकर उन चीज़ों को भोगेंगे। जो कुछ भोगना है यहाँ भोगना है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ सभी चीज़ें अच्छी होगी, आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा हो। पर तकलीफ़ यह है कि अच्छा और बुरा, इन दोनों का जजमेंट हम नहीं कर पाते। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये हमें नहीं मालूम होता है। बस हम हमारा कर्म करते जाते हैं। बस बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी भी चाहे जाने अनजाने में किसी का हृदय या दिल ना दुखाए, क्योंकि बददुआओं में असर होता है। अगर दुआओं में असर होता है तो बददुआओं में भी असर होता है। और कई बार हम इन छोटी छोटी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और बहुत बड़ी समस्याएं हमें झेलना पड़ सकती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देखना है कि जो बेसिक्स हैं उन पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति जो है वो कुछ भी बाकी किसी पर नहीं रखती है, चाहे हम हो, आप हो, या कोई भी क्यों ना हो। तो जो बात है, सबसे पहले किसी का दिल दुखाने से बचें। लोगों की मदद करने में जो आप विश्वास रखते हैं वो बिल्कुल रखें। आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई है तो उसको धैर्यपूर्वक वेट करें। कई बार चीज़ें कई दिनों तक क्लियर होती है, मतलब समय साथ वो चीज़ें हमें बाहर दिखाई देती है कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी और तमाम चीज़ें, और तब हमें वो बात समझ आती है कि जो तब हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनको भी आपको ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम ना समझी में भी गलती हो जाती है। उसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हुई है तो कुछ हमारे वो कर्म होते हैं, अदृश्य कर्म, जो हम जाने अनजाने में हम समझ ही नहीं पाते हैं, जो हमसे हो जाते हैं। और पहली एक बात, सबसे मेन बात है कि हम खुद को किस पैमाने पर जज कर रहे हैं। क्या हम सही हैं, क्या हम सही हो सकते हैं, क्या हम सही थे। तो हर पैमाने पर एक अलग अलग पैमाना है, एक अलग अलग पूरा ट्राइंगल है, तो वो हम खुद को जज कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो एक बार आत्म मंथन करना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ हम सही थे, कहाँ हम गलत थे और कहाँ हमारी चूक है। क्योंकि आत्ममंथन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर दें। मन को शांत रखना है, धैर्य रखें। जितना मन को शांत रखेंगे उतना ही फायदा आपको होता रहेगा। तो और कुछ बेसिक्स जो थी इसमें मैंने क्लियर डाउट आपके कर दिए हैं, और अगर ऐसा कुछ और है तो जो भी बातें हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये बातें हैं, वो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ते रहें, कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।